प्रणाम, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी का स्वागत है झलक लाइफस्टाइल ज्योतिष चैनल पर। आज का विषय बहुत ही स्पेशल, जैसा मैंने पहले कहा था कि हर राशि के हिसाब से कर्ज, कर्ज जो कि हमारे जिंदगी का एक तरह से हिस्सा है, हम किसी न किसी रूप में उधार कर्ज लेते ही हैं। तो हर राशि के हिसाब से जो है कब कर्ज लेना चाहिए या कैसे उतरेगा, ये पूरी सीरीज मैं देने वाली हूँ। इससे पहले हम अधिक मास का लाभ उठाएंगे। इस वर्ष अधिक मास है, जैसे लीप ईयर होता है तो फरवरी में 29 डेज हो जाते हैं, एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है। उसी प्रकार से अधिक मास आता है, एवरी थर्ड ईयर जो है अधिक मास आता है, जो कि अधिक का मतलब ही एक्स्ट्रा है ना। तो एक्स्ट्रा 100 जो वन मंथ जो है वो 30 डेज आपको एक तरह से एक्स्ट्रा शुभकारी मिल रहे हैं। ये एक बैलेंसिंग है जो हमारा लूनर और सोलर, ये जो कैलेंडर रहता है उसके बीच में जो बैलेंस करने के लिए ये बड़ा ही सुंदर समय रहता है। और इस समय में कर्ज के लिए उसकी रेमेडीज करने के लिए ये समय बहुत उत्तम है, क्योंकि अधिक मास जो है वह मंगल के वक्रत्व में आ रहा है। इस समय मंगल वक्री है और अधिक मास के समय में पूरे समय में वक्री रहे, जो ग्रह वक्री हो और उस समय में उसके रिलेटेड कारकत्व के रिलेटेड अगर हम उपाय करते हैं तो उनका बहुत सुंदर और जल्दी इफेक्ट आता है, लाभ प्राप्त होता है। कर्ज जो है वह मंगल के कारकत्व में आता है, मंगल उसके अधिकारी माने जाते हैं, और सिक्स हाउस जो है पत्री में वह कर्ज का भाव माना जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे इस समय में इसलिए हमें मंगल के उपाय या कर्ज उतारने के उपाय हमें कर लेने चाहिए और वह बहुत शुभकारी होंगे, लाभकारी होंगे। आज के विषय में मैं यही बताने वाली हूँ कि लेकिन आप देखेंगे कैसे, एक चीज आपको जो उपाय करने हैं वह आप किस देवता के निमित्त करेंगे। आपने जो मंत्र जाप करना है वह आप किस देवता के निमित्त करेंगे, यह आप अपनी पत्री देख करके चेक करेंगे। तो मैं वह बता देती हूँ आपको, जो लोन कर्ज का जो भाव है वह छठा भाव है, उससे जो द्वादश भाव रहेगा बारहवां 12th हाउस जो है वह बनेगा आपकी पत्री का 5th हाउस। फ्रेंड्स, मैंने पत्री देखने के लिए बहुत पहले बताया हुआ है, साथ उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि आपको पता ही होगा कि पत्री का पांचवा भाग कैसे देखते हैं। अगर नहीं होगा तो आप प्रश्न करके मुझसे पूछ भी सकते हैं। तो आप अपनी पत्री के पांचवें 5th हाउस में देखिए कि वहां पर कौन सा नंबर लिखा हुआ है। जैसे अगर वहां पे एक नंबर या 8 नंबर आ रहा है तो वहां पर आपको हनुमान जी के किसी भी मंत्र का जाप करना है। आपने अमावस वाले दिन, और यह प्रक्रिया आप कब से शुरू करेंगे, आप अमावस वाले दिन आप मंदिर में जाएंगे और जो देवता आपकी पत्री के हिसाब से 5th हाउस के हिसाब से बनते हैं आपने उनके मंदिर जी में दर्शन करना है, वहां पर प्रार्थना करनी है अमावस्या वाले दिन। उस दिन थोड़ी सी खीर अवश्य बना के लेके जाएं, क्योंकि यह माह जो है पुरुषोत्तम मास कहलाता है। पुरुषोत्तम जो है विष्णु जी का सहस्त्र नामावली में से एक नाम है, तो हमने खीर जरूर बनानी है। और जैसा अमावस्या है, पितरों का दिन भी रहता है, तो आप थोड़ी सी खीर बना करके लेकर के जाइएगा और अर्पित करके आइएगा। अब अगर आपकी पत्री के पांचवें भाव में एक नंबर या 8 नंबर है तो आपने हनुमान जी के मंदिर में या कार्तिकेय जी का विशेष मंदिर अलग से नहीं होते हैं, वह जो शिवालय रहता है शिवालय जी में ही कार्तिकेय जी की मूर्ति होती है। अगर ऐसा संभव हो तो आप वहां पे कर सकते हैं, नहीं तो आप हनुमान जी के मंदिर में, तो आप वहां पर भोग लगा के आएंगे। और यह समय सुबह का 8 बजे से 12 बजे के बीच में रखिएगा। दूसरा, अगर आपकी पत्री में जो है 2 नंबर या 7 नंबर आ रहा है तो उस केस में आप कोई भी देवी के मंदिर में जाइएगा, जैसे कि दुर्गा जी की जो स्थान हो, मंदिर जी हो, वहां पर दुर्गा जी की मूर्ति हो, वैष्णो माता की हो, संतोषी माँ की हो, और गायत्री जी की हो, सरस्वती माँ की हो,
इस तरह से कोई भी देवी माँ की वहाँ पर मूर्ति हो तो वहाँ आप जाएंगे, लक्ष्मी जी की हो तो वहाँ पे आप जो है खीर लेकर के जाइए, भोग लगाइए और मन में कहें कि मेरा जो लोन है वह उसको उतारने के लिए कोई रास्ता पहुँचाएं, बताएं, यह प्रार्थना करके आप आएं। और फिर इसी प्रकार से अगर बाद में सारी ही देवी देवताओं के मैं एक एक मंत्र बताती हूँ, हनुमान जी का बहुत ही सिंपल है, तो उसमें तो आप हंग हनुमते नमः कह सकते हैं, श्री राम दूताय नमः भी कह सकते हैं, पवन पुत्राय कह सकते हैं, अंजलि पुत्राय नमः कर सकते हैं, कोई भी मंत्र आप हनुमान जी का, कार्तिकेय जी के लिए आप कार्तिकेय नमः कह सकते हैं, उमा सुताय नमः कह सकते हैं, है ना, तो इस तरह से। और अगर गायत्री जी हैं तो गायत्री जी का अगर गायत्री मंत्र आता है तो आप वह कर लीजिए, वह जहाँ मंदिर में जो स्वरूप है आपने वही जो है मंत्र लेना है। अगर लक्ष्मी जी का है तो आप ओम श्रीम श्रीय कर सकते हैं, दुर्गा जी की मूर्ति अगर वहाँ पे है, दुर्गा जी स्थापित हैं तो आप वहाँ पे दुम दुर्गाय नमः कर सकते हैं, सरस्वती जी का है तो आप एंग महासरस्वते नमः कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने जो है मंत्र ले लेना है। अब अगर फिफ्थ हाउस में आपके जो है 3 या 6 नंबर लिखा हुआ है, मतलब मिथुन राशि या कन्या राशि है, तो वहां पर आप जो है विष्णु जी का मंत्र, ओम विष्णुवे नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, है ना, और नहीं तो अच्युताय नमः, गोविंदाय नमः, केशवाय नमः, है ना, इस तरह से आप कोई भी मंत्र का जाप आप करेंगे। अब अगर माना कि 4 नंबर है तो 4 नंबर में रहेंगे आपके लॉर्ड शिवा, महादेव के लिए तो सिंपल बहुत ही प्यारा सा मंत्र है, आप सभी जानते हैं नमः शिवाय, है ना, तो ये मंत्र आपने करना है। अब अगर 5 नंबर वहां लिखा हुआ है तो वह क्या हो गया, सूर्य राशि हो गई, तो उसके भी जो अधिष्ठाता है वो देवता जी जो है विष्णु जी हैं, तो फिर वही आप विष्णु जी के प्रति जो है निमित्त जो है कोई भी मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, गोविंदाय नमः, अच्युताय नमः, अनंताय नमः, है ना, पुरुषोत्तमाय नमः, इस प्रकार से विष्णुवे नमः, तो इस तरह से आप कोई भी मंत्र का जाप करेंगे। अब अगर वहां पे आपके जो है 9 नंबर या 12 नंबर है तो वह जो है बृहस्पति जी का माना जो राशि है वो होती है, तो उसमें आप लॉर्ड शिवा का ही मंत्र जाप करेंगे, क्योंकि लॉर्ड शिवा जो है वो अपने आप में गुरु स्वरूप है, इसलिए आप लॉर्ड शिवा का ही ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय, है ना, ये मंत्र का जाप करेंगे। इस प्रकार से ये दोस्तों सभी राशियां 1 से 8 मंगल की राशि, 3 और 6 बुध की राशि, 4 कर्क राशि जिसके लिए लॉर्ड शिवा, 5 सूर्य जिसके लिए विष्णु जी, और 7 नंबर जो है 2 और 7 जो है वह शुक्र ग्रह, उसमें आप कोई भी जो है देवी माँ का स्वरूप की आप मंत्र जाप करेंगे। अब रहा शनि की, अगर वहां पे 10 या 11 नंबर लिखा हुआ है तो ये शनि की राशियां हैं, तो शनि की राशि में आप जो है या तो काली माँ, ओम कालिकाय नमः, है ना, क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम नमः, सिंपल ऐसे, और या भैरव जी, ओम भैरवाय नमः, है ना, ओम बटुक भैरवाय नमः, तो इस प्रकार से आप मंत्र का जाप करेंगे। तो यह दोस्तों आपका हो गया कि आपने फिफ्थ हाउस देखना है और इस तरह से मंत्र जाप करना है, और अमावस से लेकर के आपने पूर्णिमा तक करना है, और अमावस वाले दिन आपने खीर जरूर लेकर के जानी है मंदिर जी में, और इसी प्रकार से आप जो है जब पूर्णिमा आ जाएगी तो पूर्णिमा पर भी आप खीर बना करके लेकर के जाइएगा। और अब बात रही कि मंत्र जाप करना कितना है, तो मित्रों ये आपके ऊपर है कि आप कितना मंत्र जाप का संकल्प लेते हैं, ये आपकी इच्छा है, लेकिन मिनिमम मिनिमम आप 27 माला इन 15 दिनों में, 16 दिन हो जाएंगे अमावस वाले दिन से शुरू करके पूर्णिमा तक, तो आप 27 माला का जाप जरूर करें। इस अधिक मास में अधिक से अधिक जाप करें, अति लाभ, अति सुंदर, अति शीघ्र लाभ, लेकिन कम से कम
आप जो है 27 माला का जाप जरूर करें। और विष्णु जी के निमित्त यह है, अधिक मास है, विष्णु जी को उठते बैठते मन में रखें, धारणा रखें। और इस प्रकार से दोस्तों ये छोटी सी वीडियो, उम्मीद है आप समझ गए होंगे, आप अपनी पत्री को देख करके अच्छे से देख पाएंगे अगर आप लेना चाह रहे हैं लोन या आपके पास पहले से लोन है। तो आप दोनों ही केस में अगर आप लेना चाह रहे हैं तो भी आप प्रार्थना करें कि हमें लोन मिल भी जाए और हम इतने समर्थ हों कि हमारा लोन उतर भी जाए, हम उतार भी सकें। हमें जरूरत है आपका जो भी कार्य है, चाहे घर है, गाड़ी है, बंगला है, दुकान है, कुछ भी है, बच्चों की पढ़ाई है, कोई भी चीज के लिए अगर आप लेना चाहते हैं तो यह है। तो इस प्रकार से दोस्तों यह वीडियो है, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ हो इस समय का, क्योंकि इस समय में जो मंगल ग्रह हैं, जो कि कर्ज के कारक ग्रह हैं, वे वक्री चल रहे हैं और वक्री रहते हुए वह जल्दी जो है लाभ आपको प्रदान करेंगे, आपकी इच्छा जल्दी से जल्दी पूर्ण होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।